चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे बताइए, सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ओके जी, चलिए जी शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इंट्रोडक्शन किसका? सिंस हमारी इस सब्जेक्ट कैप सेवन का नाम ही कंपनी लॉ है, ठीक है। ये नहीं कि आपको नजर आ रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने कंपनी कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी के सिस्टम्स क्या होते हैं, क्या काम करती है, इसके अंदर हम पैसा कैसे लाते हैं। सिंस आप लोग FR1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तमाम चीजों का आइडिया ऑलरेडी है, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है जनाब कंपनी के बारे में, कि जी कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है और ये कंपनी इसकी टाइप्स क्या होंगी एंड रजिस्ट्रेशन, आखिर रजिस्टर कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि कंपनी क्या है। इससे पहले, कंपनी को जानने से पहले, हम ये दिए देख लेते हैं कि जनाब बिजनेस किस किस तरह के होते हैं। हमें ये तो मालूम है कि जनाब ये जो कंपनी है हम बनाते किस लिए हैं, किस लिए बनाते हैं कि जनाब बिजनेस करना है, हमने प्रॉफिट अर्न करना है। आपको पता है बिजनेस हम हर उस चीज को कहते हैं जिसका पर्पस क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कि हम बिजनेस किसको कहते हैं कि जनाब हमें कुछ उससे प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले। तो हमने ये देखना है, कोई मुझे बताएगा कि कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस है, किसी को मालूम हो जी बिजनेस की टाइप्स होती है? ऐसा बिजनेस जो कि एक पर्सन कर रहा हूँ, वन पर्सन, ठीक है जी। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में या मार्केट जाते हैं, ठीक है जी, वहां पर लिखा होता है कि अहमद प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी। अहमद प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है कि बिजनेस किसका है, अहमद साहब का। तो एक ही पर्सन उस तमाम बिजनेस को डील कर रहे होते हैं, वो उसके मालिक भी हैं, ओनर भी हैं, वो इसको मैनेज भी खुद कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने मुलाजिम रखे होंगे आगे पीछे, लेकिन हमने कहा अगर सपोज एक शॉप है, लेकिन मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी, यानी कि वो उसको ऑन भी कर रहे हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हैं, यानी कि किसको मैनेज कर रहे हैं, उस बिजनेस के अफेयर्स को। तो हमने कहा जी ये हो गया सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप क्या होती है? बिल्कुल जी, पार्टनरशिप तो आप लोगों ने बिजनेस में, बिजनेस लॉ में पढ़ी थी, पार्टनरशिप तीन चैप्टर्स है उसके। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप होता है ऐसा बिजनेस होता है, हमने कहा, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं, वन पर्सन नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मोर देन वन पर्सन। और आपको ये भी मालूम है इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 होती है, अगर 20 से ज्यादा हो जाए तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं बन सकते बल्कि इनको कंपनी बनना पड़ता है। आप लोगों ने ये बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो ये बात नहीं थी, लेकिन जब हमने पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा था उसमें ये बात मेंशन जरूर थी कि मैक्सिमम लिमिट इसकी 20 होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और वो एक्सेप्शंस हमें कंपनीज एक्ट ने बताएंगे, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताई, बल्कि ये बातें हमें कंपनीज एक्ट 2017 ने बताई है। अब सोल ट्रेडर के अंदर
अगर कोई चीज होती है बिजनेस की, कोई लायबिलिटी इनकर होती है, तो ये ओनर ही उस लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा ही है पार्टनरशिप के अंदर, अगर कोई लायबिलिटी इनकर होती है तो हमने कहा जिस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा वो ही लायबल होता है। हमने ये भी पढ़ा था और हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, हमने कहा था एक तो पर्सनल लायबिलिटी थी, दूसरी क्या होती है? सेवरल एंड जॉइंट लायबिलिटी। जी पर्सनल, हमने कहा सेवरल एंड जॉइंट लायबिलिटी होती है, दूसरी होती है जनाब जॉइंट, कि जनाब एक पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होता है या किसी और पार्टनर्स के साथ मिलके या तमाम पार्टनर्स। हमने कहा सपोज तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, हमने कहा कोई थर्ड पार्टी ए से भी कह सकती है कि तुम मुझे पे करो, या वो ए और बी से कह सकते हैं कि तुम मुझे पे करो, या वो बी और सी से भी कह सकते हैं कि तुम मुझे पे करो, या वो ए बी सी तीनों से कह सकती है कि तुम मुझे इस चीज के लिए पेमेंट करो। तो हमने कहा पार्टनरशिप के अंदर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, कि आपका कोई एक पार्टनर भी लायबल हो सकता है और तमाम बाकी सब पार्टनर्स भी लायबल हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे कोई पार्टनरशिप बिजनेस से नहीं, कि इस पार्टनरशिप का कोई नाम होगा। सपोज हमने कहा कि ए बी एंड को, ठीक है। अब इस एबीसी एंड को, सॉरी को नहीं आएगा यहाँ पे, एबीसी है, ठीक है। अब एबीसी से कोई नहीं कहेगा कि तुम मुझे दो पैसे, क्यों? एबीसी की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है बल्कि इसके पार्टनर्स की लायबिलिटी है। अब आता है तीसरी टाइप का बिजनेस जिसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट 2017 मौजूद है, जो कि हमने इसी कैप 7 में जिसको डिटेल में स्टडी करना है, और वो तीसरा टाइप ऑफ बिजनेस है हमारे पास कंपनी। ठीक है जी, सो यानी कि क्लास के लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये तो बाकी काम है। सो हमने कहा ये लोग मिलके कहते हैं जनाब हम एक कंपनी बनाते हैं, तो हमने कहा कंपनी का क्या आइडेंटिटी है? ना वो सोल ट्रेडर है, ना वो पार्टनरशिप है, तो व्हाट इज कंपनी? याद रखिएगा जिस तरह सोल ट्रेडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, हमने कहा सोल जो उसका ओनर है, जो उसको मैनेज कर रहा है, लायबिलिटीज के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनरशिप के अंदर ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनको हमने कहा पार्टनर, ये रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन कंपनी, कंपनी की आइडेंटिटी जरा मुख्तलिफ है। कंपनी को लॉ ने जैसे रिकॉग्नाइज किया है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड फ्रॉम द सोल ट्रेडर। कंपनी को खुद लॉ कहता है एक लीगल पर्सन होता है, दो आर्टिफिशियल, लेकिन कंपनी अपने तमाम एक्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। होती क्या है, बनती कैसे है, इसको भी हम देखेंगे। अपने तमाम एक्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बाय देयर नेम, हमने कहा कोई कंपनी है, हम उस कंपनी का नाम लिख लेते हैं अली लिमिटेड। अगर अली लिमिटेड के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, इसने कोई पेमेंट करनी है, तो ये अली लिमिटेड ही लायबल होगी। अली लिमिटेड का कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, बल्कि अली लिमिटेड खुद लायबिलिटी होगी। हमने कहा इसका ओनर लायबल नहीं होगा, बल्कि अली लिमिटेड ये कंपनी लायबल होगी। अब ये किस तरह लायबल होगी, इसको भी हमने देखना है कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये भी हमने जानना है, हमें समझना है। हम आज की क्लास में ही इसको समझेंगे। इसके अलावा हम ये, हमें ये भी मालूम है कि जनाब ये जो कंपनी, हमने कहा जी अली लिमिटेड है, अब इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हैं कि जी कंपनी होती कैसी। हमने कहा जी ये हमने कंपनी बना दी है,
कंपनी क्या है, लोग थे हमने एक था अली एंड बाबर, अली एंड बाबर के पास था पैसा, कितना पैसा था जी दोनों के पास, 1 मिलियन था, दोनों के पास 1 मिलियन था। ठीक है, अली साहब जो है वो है हमने कहा कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और बाबर साहब जो है एमबीए किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने एक कंपनी बनाई अली लिमिटेड, जिसका फर्दर बिजनेस हम कहते हैं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, ठीक है, हॉस्पिटल है। अब इन दोनों साहिबान को नहीं पता कि इसको चलाना कैसे है, बस इन्होंने कहा जी हमारे पास ये पैसा है, ठीक है, और हमें इसको इन्वेस्ट करना है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको मैनेज कर सकें, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कुछ लोग रख लेते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए, जो देखेंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा को ओवरसी करना, इस अली लिमिटेड को एक ओवरसाइट प्रोवाइड करना, ठीक है। हमने कहा वो जो लोग इन्होंने रखे इसको ओवरसी करने के लिए, उनका नाम है जनाब डायरेक्टर्स, ठीक है जी, डायरेक्टर्स हो गए। अब हमने कहा ये जिनका पैसा था ये है मालिकान, ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया वो है मालिकान, पैसा देने वाले ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को ओवरसी जो कर रहे हैं वो है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, फर्दर अली लिमिटेड के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, हमने कहा जी हॉस्पिटल है तो इसके अंदर फर्दर डिपार्टमेंट होंगे, इसके अंदर प्रॉपर एक टीम होगी, एक फाइनेंस की टीम होगी, मार्केटिंग की टीम होगी, एचआर की टीम होगी, इसकी जो हॉस्पिटल का जो मेन फंक्शन है, जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड टीम होगी, इसके अंदर एम्प्लॉयज फर्दर काम कर रहे होंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर। ये वो लोग हैं जिनको हम एम्प्लॉयज कहते हैं, जो उसके अंदर काम करने वाले लोग होते हैं। इन एम्प्लॉयज को कौन ओवरसी कर रहा है? डायरेक्टर्स। इस कंपनी को, अली लिमिटेड एज अ होल को, पूरे इसके तमाम फंक्शंस को कौन देख रहा है? डायरेक्टर्स। तो याद रखिएगा कि कंपनी के अंदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड द डायरेक्टर्स एंड द पर्सन हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी। ओनर्स एंड कंट्रोल के अंदर एक डिफरेंस होता है, अनलाइक सोल ट्रेडर जहां पे ओनर और कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में था, यहाँ पे ऐसा हरगिज नहीं होता। एक और डिफरेंस वो ये है कि ये जो अली लिमिटेड है, हमने कहा ये इसके ओनर्स हैं, मालिकान है। यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है जिससे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स को, मुझे बताएगा कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं ओके, और मेंबर्स ऑफ द कंपनी कौन होता है? मिस मेंबर जो है वो एक ब्रॉड टर्म होती है, उसके अंदर शेयर होल्डर आ रहा होता है, तो नॉर्मली इसको सेम ही कह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि ओनर्स, मेंबर्स और शेयर होल्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूजली ये टर्म्स एक साथ इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन अगर हम लॉ की डेफिनेशन को देखें तो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं? आसान वो पर्सन जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, दैट हैव शेयर्स ऑफ कंपनी, जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं वो एक शेयर होल्डर है। लेकिन मेंबर ऑफ द कंपनी कौन है? इसके लिए हमें कंपनीज एक्ट 2017 को देखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2017 ने प्रॉपर एक डेफिनेशन बताई है कि जनाब ये मेंबर है
और उसमें उसने कैटेगरीज बता दी, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, जी यस, जी आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी मिस। जी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, आपकी किताब का पेज नंबर 11 है, ये रही सामने डेफिनेशन। मेंबर्स ऑफ द कंपनी सेक्शन 118। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको अभी आइडिया नहीं होगा, हम इस डेफिनेशन को दोबारा भी पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन अभी इसका मालूम होना जरूरी है। कहता क्या है, द सब्सक्राइबर्स to the memorandum of association, जैसे मैंने कहा था ना कुछ terminologies को जानना जरूरी है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा hold कर लेते हैं कि ये होता क्या है, लेकिन आसान लफ्जों में बता देती हूँ ये क्या होता है। memorandum of association, जिस तरह आप लोगों ने business law में constitution of Pakistan पढ़ा था, इसी तरह कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर जिस तरह लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या था कि जी ये जो पाकिस्तान है ये चलेगा कैसे, कौन होगा इसका प्रेसिडेंट, कौन होगा इसका प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी कैसे चलेगी, इसके फाइनेंसेस कैसे चलेंगे, इसके बजट्स कैसे चलेंगे, इसके अंदर इस्लाम में कानून कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो उसकी इसकी कोर्ट्स क्या होंगी, वो जो तमाम डिटेल थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के क्या राइट्स, उनको कैसे दिए जाए, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी क्या होगी, कौन होगा डायरेक्टर, कौन होगा मेंबर, कैसे होगी मीटिंग्स, ये जितने आपके जो चैप्टर्स के नाम लिखे हैं समझ लीजिए ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप अपने चैप्टर्स को देखिए कि जी चैप्टर है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, शेयर कैपिटल, प्रॉस्पेक्टस, मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज योर डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, क्या है कंपनी कैसे रन करेगी, ठीक है जी। तो कहते हैं कि वो लोग सब्सक्राइबर्स जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब किया है टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो एग्री करते हैं कि हम इस कंपनी के मेंबर्स, यानी कि वो लोग जो इस कंपनी को बनाने वाले होते हैं, जो इनिशिएटर होते हैं, जो सबसे पहले बनाने वाले होते हैं, एग्री करते हैं वो क्या है कंपनी के मेंबर्स हैं। ए में क्या लिखा हुआ है, वो लोग जिनके बारे में अभी आपने बताया जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कि जिनको टू हुम इज अलॉटेड और बिकम द होल्डर ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स, जिनके पास शेयर्स होते हैं। इसका मतलब हुआ कि मेंबर की डेफिनेशन के अंदर शेयर होल्डर आता है, यानी कि मेंबर की डेफिनेशन का सब है शेयर होल्डर, ये है डिफरेंस। अभी किसी ने बताया था कि मेंबर इज अ ब्रॉडर टर्म, यस इट इज अ ब्रॉडर टर्म, ये मेंबर की डेफिनेशन का फर्दर कंटेंट है, फर्दर पार्ट है शेयर होल्डर, बात समझ आइए। सो आगे फिर बता रहा है कि इन रिलेशन, अच्छा जिस कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है तो फिर अभी हमने देखना है कि वो कौन सी कंपनी होती है जिसके अंदर शेयर कैपिटल ही नहीं होता, ठीक है, ये हमने टाइप समझ लिया। सो यहाँ पे सिर्फ इसको हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये बताना था कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज मुख्तलिफ हैं। मेंबर्स एक बिगर टर्म है और उसके अंदर फर्दर शेयर होल्डर आता है। अब मेंबर्स फर्दर क्या होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा कंपनी के बारे में और जानना जरूरी है।
ठीक है जी। सो हमने एक चीज हमने ये देखी कि जनाब यहाँ पे सबसे पहले हमने लायबिलिटी के बारे में जाना, तो हमने कहा जी कंपनी अपने तमाम एक्ट के लिए लायबल होती है। हम यहाँ पे अली साहब से नहीं पूछेंगे, हम यहाँ पे बाबर साहब से नहीं पूछेंगे कि कंपनी ने कोई एक्ट किया तो चलो जी मालिकान को पकड़ो, नहीं, हम अली या बाबर को नहीं बल्कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट केस करेगा तो उस कंपनी के नाम यानी कि इस कंपनी का जो नाम है अली लिमिटेड उसके अगेंस्ट केस करेगा, वो अली या बाबर के अगेंस्ट केस नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? तो हमने इस चीज को समझा। फिर हमने कहा कि जी दूसरी चीज, पहली चीज हमने ये समझी लायबिलिटी से रिलेटेड, दूसरी चीज हमने ये समझी कि ओनर्स और कंट्रोल ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको याद है पार्टनरशिप के अंदर थी कि जी अगर सपोज एक पार्टनरशिप होती, अली और बाबर पार्टनर होते, तो अगर बाबर छोड़ के चला जाता तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो जब नया एडिशन ऑफ पार्टनर होता है तो नया एग्रीमेंट साइन होता है और नई पार्टनरशिप बनती है। लेकिन कंपनी के अंदर अगर बाबर अपने शेयर्स ये 1 मिलियन का जो हिस्सा है किसी और को ट्रांसफर कर दे, बाबर से अमजद को ट्रांसफर कर दे, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी अली लिमिटेड थी, अली लिमिटेड रहेगी, कंपनी के पास 2 मिलियन शेयर्स थे, 2 मिलियन ही शेयर्स है। हाँ, कंपनी का जो शेयर रजिस्टर है बस उसके अंदर बाबर के बजाय अमजद का नाम लिखाएगा, बाकी कंपनी के वो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ये बात क्लियर है यहाँ पे? जी मिस। अभी जो हमने पढ़ा है, ये जो 3 मेन पॉइंट्स पढ़े हैं वो ये लिखे हुए कि जी कंपनी की ये जो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है इससे इम्पैक्ट क्या आता है। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ बिजनेस, कि ओनर, अच्छा अभी हमने इसको भी देखना है फर्दर डिटेल में लायबिलिटीज के बारे में कि हर पर्सन की लायबिलिटी कितनी होगी। फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने शेयर्स अली ने, बाबर ने अमजद को ट्रांसफर कर दिए, उससे कोई इम्पैक्ट कंपनी की एग्जिस्टेंस पे नहीं आया। परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है, अगर अली या बाबर में से किसी की डेथ हो जाती, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता, तो जो भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक जो भी नेक्स्ट पर्सन जिसको वो ट्रांसफर होने हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, अब समझते हैं फर्दर इन पॉइंट्स को फर्दर डिटेल के अंदर। बैलेंस शीट अगर हम कंपनी के बारे में फर्दर देखें, आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं उसके बारे में मालूम तो आपको हो गए। क्या होता है जनाब, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिसके अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, क्या आता है हमारे पास इन्वेंट्री आती है, डेटर्स आते हैं, कैश है, प्रीपेमेंट है। ठीक है जी, इस तरफ आए जनाब हमारे पास शेयर कैपिटल है, हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज हैं एंड करंट लायबिलिटीज हैं, ऐसे ही होती है। और आप लोगों ने माशाल्लाह से FR1 पढ़ी हुई है, और FR1 के अंदर आप जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे लिखते थे ABC एंड कंपनी, ABC लिमिटेड, ऐसा ही है। एग्जाम अभी आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, यकीनन आपके पास
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन कोई ना कोई यकीनन आया होगा, इसी तरह लिखा होगा। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये क्या शो करती है, ये क्या शो करती है जनाब? अगर हम नॉन करंट एसेट्स की साइड की तरफ आए कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये किसका है, किसका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? जी ये इस कंपनी का है, जिससे हमें अंडरस्टैंड हुआ कि जो हम कंपनी के बारे में समझ रहे हैं इसका मतलब है इस एसेट की ओनर कौन है, कंपनी है। आज समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस कंपनी के जो अपने जो ओनर्स थे, हमने कहा एबीसी एंड कंपनी के मालिकान बेशक अली बाबर अशरफ थे, पर ये एसेट उनके नहीं है, ये एसेट किसके हैं, इस एबीसी एंड कंपनी के। अगर ये शेयर होल्डर्स भी थे तीनों इस कंपनी के, तो हमने कहा इन शेयर होल्डर्स के एसेट्स नहीं है, ये एसेट्स इस कंपनी के हैं। हमने कहा ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसकी है, इस कंपनी की है। डेटर्स राइट टू रिसीव डेट किसका है, अली बाबर या अशरफ का नहीं है बल्कि कंपनी का है, कंपनी लेगी पैसे इनसे। आज समझ रहे हैं। और अगर करंट नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें, अगर कोई कोई लायबिलिटी है, कोई लॉन्ग टर्म लोन है, इसका मतलब है कंपनी लॉन्ग टर्म लोन ले भी सकती है किसी से भी, बैंक से कोई लीजिंग कंपनी है, कोई और है, उससे ये लोन ले भी सकती है और पेमेंट भी यही करेगी। इसके ओनर्स या शेयर होल्डर अली बाबर अशरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इस कंपनी के बिजनेस को अलबत्ता ओवरसाइट या मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी करेंगे। हमारे पास पूरा एक अदर चैप्टर है कि जी ये डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं, इनको अपॉइंट कैसे करते हो, इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये डायरेक्टर्स कौन है जो ओवरसाइट करेंगे। एम्प्लॉयज और डायरेक्टर में फर्क होता है। एम्प्लॉयज वहां पे आपने उनको आप सैलरी पे रखा होता है, काम करते हैं अपना हर और अपना जिस डिपार्टमेंट में, लेकिन डायरेक्टर्स ओवरऑल बिजनेस को देख रहे हैं। ठीक है, हमने कहा हो सकता है ये मेंबर ऑफ द कंपनी भी हो, ये जो मालिकान ही थे, ये जो शेयर होल्डर्स ही थे, ये खुद डायरेक्टर बन जाएं, और आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। आउटसाइडर्स कैसे होते हैं, हम इंशाल्लाह डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे लोग भी डायरेक्टर्स होते हैं। तो हमने एक चीज यहाँ पे समझ ली कि कंपनी की, जिसको हमने कहा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन क्यों कहा, कि जिस तरह एक मैं एक ह्यूमन एक इंसान किसी चीज को ओन कर सकती हूँ, मैं डेट रिसीव कर सकती हूँ, मैं लायबिलिटी इनकर कर सकती हूँ, अगर मेरे को टैक्सेस की पेमेंट करनी है तो वो मैंने खुद करनी है, तो इसी तरह कंपनी भी ये तमाम काम कर सकती है। इसीलिए कंपनी को हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन। अब लॉ के अंदर जहां जहां कहीं पर्सन का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं पर्सन ही हूँ, दैट इज अ कंपनी एज वेल। लॉ कहीं पे भी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन का नाम नहीं लेता, वो पर्सन का नाम लेता है। जी हसन जमाली, आपका कोई सवाल है? मैम हम एक एम्प्लॉय को भी पे कर रहे होते हैं और एक डायरेक्टर, अगर वो शेयर होल्डर नहीं है हमारा, उसको भी पे कर रहे होते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है फिर? एक ही तो है फिर? नहीं, डायरेक्टर्स को हम पे करते हैं, उसको कहते हैं रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर कभी भी सैलरी नहीं लेता, ठीक है। एम्प्लॉय अभी फर्क देखने, एक सैलरी लेता है, किसी खास डिपार्टमेंट में काम करता है, वो फाइनेंस होगा, वो एचआर होगा, वो मार्केटिंग होगा। डायरेक्टर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है।
इसका ये जो रेम्यूनरेशन होता है ये बाकी तमाम डायरेक्टर्स मिलके सेट करते हैं। इसके रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए ये भी डायरेक्टर सेट करते हैं। और ये रेम्यूनरेशन कब मिलता है, ये काइंड ऑफ एक मीटिंग फी होती है कि जनाब ये जो मीट डायरेक्टर्स जब जब मिलेंगे, इनकी जब जब मीटिंग्स होंगी, जब जब ये कंपनी के अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए आपस में मिलके बैठेंगे, तो वो जो उनका नेसेसरी एक्सपेंस होता है वो उनको पे किया जाता है। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है हरगिज कि इनको आप मंथली सैलरी दें। सैलरी एम्प्लॉय जो होता है किसी डिपार्टमेंट में, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर होता है, तो वो उसकी कैटेगरीज होती हैं कि कोई सुपरवाइजर आया है, कोई असिस्टेंट मैनेजर आया है, कोई सीनियर मैनेजर आया है। डायरेक्टर्स में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती, डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर। आप समझ रहे हैं? वो ओवर अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है आप लोगों को कि जनाब अक्सर फाइनेंस के डिपार्टमेंट का हेड को कहते हैं जी फाइनेंस डायरेक्टर। उस डायरेक्टर में और इस डायरेक्टर में डिफरेंस है। ये जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज की ये डिपार्टमेंट वाइज है। जो लॉ की तरफ से डायरेक्टर है, जो कंपनीज एक्ट 2017 की तरफ से डायरेक्टर है, वो ये वाला डायरेक्टर नहीं है। मैंने क्या कहा, इस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओवरऑल कंपनी के अफेयर्स के लिए। इसका काम है, डायरेक्टर का काम होता है कि क्या कंपनी का जो अपना मिशन था, कंपनी का विजन था। बिजनेस मैनेजमेंट में देखा था ना कि कंपनी का एक मिशन होता है, एक विजन होता है, कंपनी की एक स्ट्रेटजी होती है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। इस फाइनेंस डायरेक्टर का काम सिर्फ अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के अफेयर्स को देखना है। लेकिन ये जो डायरेक्टर है ये तो ओवरऑल कंपनी को एक ब्रॉडर लेवल पे देख रहा होता है। और मैंने क्या कहा, ये कौन लोग हो सकते हैं? ये वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, ये वो ये मेंबर्स ऑफ द कंपनी जिसको हमने ब्रॉडर टर्म कहा था, कोई शेयर होल्डर जो मालिकान है, ओनर, वो डायरेक्टर भी बन सकता है। और मैंने कहा इसके अंदर आउटसाइडर्स भी आते हैं कि जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हसन क्लियर है? जी मैम, एक और सवाल ये था कि अगर जब कंपनी हमारी खत्म हो रही होती है और उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज होती है, तो इन केस हम जो है कंपनी जो है वो अपने सारे एसेट्स तक लायबल होती है, या जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास शेयर्स होते हैं उस तक लायबल होती है, यानी फर्नीचर और जो बाकी एसेट्स होते हैं तमाम तक लायबल होती है? क्योंकि वो उसमें तो शेयर होल्डर्स वगैरह तो लायबल नहीं हो रहे होते। जी बिल्कुल, अभी हमने अभी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर भी आती हूँ, अभी मैं आपको ये एड्रेस करूंगी। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, आपकी किताब के अंदर जहां कहीं डायरेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद ये डायरेक्टर है, यानी कि उससे मुराद वो डायरेक्टर्स हैं जो ओवरऑल कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होती है जी एचआर डायरेक्टर, फाइनेंस एम्प्लॉय डायरेक्टर, नहीं। बात समझ आ रही है? आपकी किताब के अंदर जहां जहां डायरेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब ये वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के मिशन, विजन और स्ट्रेटजी को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं पे भी एम्प्लॉय मुराद नहीं है। ठीक है, चले अब हसन जमाली के सवाल की तरफ जाते हैं। मिस, क्या ये डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं नहीं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होती है, फाइनेंस डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, वो एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये डायरेक्टर कौन है, ये मालिकान, ओनर्स जिनका पैसा था, वो भी हो सकते हैं। और अभी आप ऐसा करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप ना सोचें,
आप यही समझें कि जो मालिकान है यानी कि जैसा अली एंड बाबर जो हमने कहा था कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, यहाँ शुरू में जो हमने की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे दिस वन अली एंड बाबर, कि ये काम क्यों इन्हीं का पैसा है ना, ओनर्स है ना। अब ये जो ओनर्स हैं इन्होंने फर्दर एम्प्लॉयज रखे होंगे, इनके फर्दर डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, मैनेज और कोई डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, जो सवाल हसन ने पूछा है उस सवाल कि जनाब हर बंदे की कितनी कितनी लायबिलिटी होगी अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है तो फिर क्या होगा। अभी तो हमने एक बात की थी कि मैंने आपको बताया था कि जी ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी अपनी तमाम चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये कंपनी बंद हो गई है तो फिर क्या करें। हमने कहा कंपनी बंद हो गई है तो कंपनी अपने एसेट्स को क्या करती है, सेल, और उससे आया जितना मनी, जितना पैसा आया, ठीक है, जितना आपके पास कैश आया, उससे क्या करेगी, अपने सेटिस्फाई करेगी अपने तमाम डेट्स एंड लाइबिलिटीज। यानी कि हमने कहा था कंपनी लाइबल होती है, फुली लाइबल होती है अपने डेट्स एंड लाइबिलिटीज की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी की लाइबिलिटी वाइज भी तीन टाइप्स हैं, उन टाइप्स पे भी चलते हैं, लेकिन अभी यहां तक याद रखिए कि अगर कंपनी वाइंड अप होने वाली है, कंपनी खत्म होने वाली है, तो हम उसके मालिकान को जाके नहीं पकड़ेंगे, ओनर्स को, अली एंड बाबर से नहीं कहेंगे पैसे दो, अली एंड बाबर का कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे कंपनी के जितने एसेट्स है उनको सेल करो, उससे आने वाला जो पैसा है उससे अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करो। हमने कहा अली एंड बाबर नहीं कोई लायबिलिटी होगी, हमने कहा एक जगह है लायबिलिटी, फॉर इंस्टेंस अली और बाबर ने 1 मिलियन का शेयर कैपिटल लाना था, 1 मिलियन हमने कहा इन दोनों ने कंट्रीब्यूट करना था इंडिविजुअली, टोटल 2 मिलियन है। अली ने 500,000 लाए, बाबर ने 1 मिलियन ही लाया, तो अली ने लाए 500,000 के लिए, बस इतनी लायबिलिटी होगी कि अगर अली ने कहा था कि मैं इतना शेयर कैपिटल लेके आऊंगा और अगर वो अभी नहीं लेके आया, उसके पैसे नहीं दिए, ठीक है, यानी कि जहां पे हमने कहा ये जो हाफ पैसे दिए थे, कहते हैं पार्शली पेड अप शेयर्स, क्या कहते हैं पार्शली पेड अप, फुल पेमेंट नहीं किए, पार्शली पेड अप शेयर्स है, उसके जो शेयर लिए थे उसके लिए उसने हाफ पेमेंट किया, तो वो कितना लायबल होगा जो रिमेनिंग अमाउंट होगी। यानी कि ओनर्स, यानी कि यहाँ पे ओनर्स या मेंबर्स या शेयर होल्डर, उसकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी होगी जितना उसने शेयर्स अगर कंपनी के लिए और उसके अगेंस्ट पैसे नहीं लिए। समझ गए कि अगर कोई पर्सन है बाबर, उसने कहा कि मैं कंपनी के 500 शेयर्स लूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स, और उसने सिर्फ 100 शेयर्स की पेमेंट की है और रिमेनिंग 400 शेयर्स अनपेड है, तो वो लायबल होगा इस 400 शेयर्स की पेमेंट के। आप समझ गए जी, बात समझ गए, सही है। तो हमने पहली चीज देखी कि जी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, दूसरी चीज देखी कि जनाब शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है, ठीक है।
अब तीसरी है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, अब मैंने आपसे कहा कि जहां जहां भी आपकी क्लास में डायरेक्टर का नाम लूंगी तो उससे मुराद वही लोग हैं जो ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कभी भी मैं एम्प्लॉय डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगी, ठीक है? डायरेक्टर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमने कहा डायरेक्टर को हमने कहा था आप रिस्पॉन्सिबल हो कंपनी को ओवरसाइट करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी इनकी जो पावर्स हैं वो हम देखेंगे अपने डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर। ओवरसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब है कंपनी के मेजर डिसीजंस वो यही डायरेक्टर लोग ही लेते होंगे। मैंने भी बात की कंपनी की स्ट्रैटेजी के मुताबिक कंपनी चले, कंपनी के विजन के मुताबिक कंपनी चले, कंपनी अपनी मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक चले, इसका मतलब है इन चीजों के लिए तो मेजर डिसीजंस भी डायरेक्टर लेंगे। और अगर किसी डायरेक्टर ने इन मेजर डिसीजंस लेते हुए कोई मिस्टेक की, कोई लाइबिलिटी इनकर की, कोई मेजर डिसीजन लेना चाहिए था और उसने नहीं लिया या गलत लिया, तो ये डायरेक्टर उसके लिए पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है, अब ये जो इसकी बेसिक जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको हम डिटेल में डायरेक्टर के ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्योंकि अभी हमने डायरेक्टर का फुल चैप्टर देखना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, क्या काम होते हैं। अभी इस कंपनी के इंट्रोडक्शन के फौरन बाद, कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को स्टडी करने के बाद, फौरन ही हम डायरेक्टर्स के चैप्टर की तरफ चले जाएंगे और जहाँ पे हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। सो हमने ये जो कंपनी का, जी हसन, मैम, अगर किसी शेयर होल्डर का, यानी सॉरी, अगर एक कंपनी में जो है पार्टी यूज एसेट्स हो, यानी कुछ एम्प्लॉय को भी हमने दिए हुए हो और कुछ जो है कंपनी के लिए भी यूज होते हो, तो इस टाइप के एसेट्स की क्या ट्रीटमेंट होगी? देखिए वो जो एसेट्स और होते हैं वो होते तो कंपनी के हैं। आप ये कह रहे हैं कि कंपनी ने एक कार है, वो कहा है कि जी वो कार ऑफिशियल यूज भी होती है और फिर क्या करती है कि इंफ्लुएंसेस एम्प्लॉइज को ड्रॉप करती है। इसी तरह का आपका सवाल है, पिक एंड ड्रॉप करती है। मैम, एक यूं भी है कि अगर शेयर होल्डर्स की जो एसेट्स हैं वो कंपनी को भी दे देते हैं चलाने के लिए, जिस तरह उसकी कोई कार वगैरह है वो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज भी यूज करते हैं और वो खुद भी यूज करता है, तो इन इन सच केस क्या होगा? वो सेल करनी पड़ेगी वो गाड़ी, याद रखिएगा यानी इधर अभी वापस, जी, मैं समझ गया आपके सवाल की नेचर। अभी हमने ये जो फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी, हमें ये चीज देखनी है क्या वो कार इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आ रही है, क्या वो कार कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रही है, क्या वो कार कंपनी के फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के अंदर मौजूद है, उस कार की डेप्रिसिएशन किसको चार्ज होती है, क्या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होती है। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब है कार का ओनर कौन है, कंपनी। अगर तो वो कार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शो हो रही है तो दैट मींस वो दैट कार इज ओन्ड बाय अ कंपनी, उसका यूजेज चाहे कोई भी कर रहा हो कार वो कंपनी की है। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप हम उसको सेल ऑफ कर देंगे। अगर वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आ रही है तो कंपनी उसकी ओनर नहीं है, कंपनी उस कार से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकती। बात समझ रहे हैं? मैम, एक और क्वेश्चन ये था कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को उधार दिया हो, तो अगर कंपनी खत्म हो रही हो, तो उस केस में जो उसके शेयर होल्डर के जो शेयर के अलावा जो उसका उधार होगा वो भी लायबल होगा या नहीं कंपनी याद के रखिए पास हो? शेयर होल्डर, आपने कहा कि जी एक चीज समझना है कि जी ये शेयर होल्डर कौन होता है। हमने कहा जी शेयर होल्डर कंपनी
वो होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप है, आपने कंपनी के शेयर्स लिए, आपने 100 शेयर्स ले लिए, हमने कहा जी 1 शेयर ₹10 का था, इसका मतलब है आपने 1000 रुपीज इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। आप तरह के बहुत सारे लोग होंगे, हम कहते हैं जी 100 लोग और हैं, सबके पास 100 100 शेयर्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये शेयर होल्डर और इसके इसी के साथ एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 1 मिलियन शेयर्स है, और हमने कहा 1 शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितने शेयर कैपिटल का मालिक है, 10 मिलियन का। नाउ दिस इज अ मेजर शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टर की बात होती है, डायरेक्टर की बात होती है, हमने कहा डायरेक्टर समझने के लिए कि डायरेक्टर कौन होते हैं, हमने कहा डायरेक्टर कुड बी यहां से ये जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, ये लोग अपने आप को जो कि फंसे से ये जो मेजर शेयर होल्डर था, ये कहता है मैं कंपनी का डायरेक्टर भी बनना चाहता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं, हम कहते हैं जी अली है। अली कहता है कंपनी को कि मेरे पास कंपनी के इतने शेयर्स हैं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो हमने कहा जी एक प्रॉपर एक इलेक्शन होता है, उसके अंदर इसको फिर डायरेक्टर नॉमिनेट, अगर तो इलेक्शन होगा उसके अंदर वोटिंग होती है, एक प्रॉपर सिस्टम चलता है, अगर तो उसके अंदर ये अपॉइंट हो गया तो फिर तो ठीक है, ठीक है। अब अपॉइंट हो गया डायरेक्टर, अब आप आते हैं आपके सवाल की तरफ, कि जो आपने सवाल किया था कि जी अब लोन की बारी आ गई, कि जी क्या ये कंपनी को उधार पैसे दे सकता है या नहीं है। याद रखिएगा इसके बारे में, ये जो लोन की बात है हम इसको डायरेक्टर के चैप्टर में बड़ी डिटेल से देखेंगे, ठीक है, कि जनाब क्या कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है या डायरेक्टर को लोन दे सकती है कि नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसके लिए भी अभी हमने देखना है कि एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होती है, क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि दिस लोन की जो आप बात कर रहे हो। अब मुझे अब आपको मैं ये बात सारी इसलिए बताई क्योंकि ये जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं, इनका तो कोई लेना देना नहीं कंपनी के लोन से, ये तो कंपनी, क्योंकि इनका काम क्या होगा, हमने शेयर्स लिए हुए हैं, साल के आखिर में डिविडेंड मिल जाए, ये कम, क्योंकि इतने मेजर शेयर होल्डर ही नहीं है। आपको क्या लगता है जिसके पास 100 शेयर्स होंगे वो कंपनी की जाके मीटिंग्स अटेंड करेगा, कि जी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, क्या मीटिंग में जाके बैठेगा, इतना खर्चा करेगा कि मैं जाके मीटिंग अटेंड करता हूँ, मेरे पास 100 शेयर्स हैं, या ये जो 1 मिलियन वाला है, ही विल बी इंटरेस्टेड, उसने 10 मिलियन लगाया उस कंपनी के अंदर, वो तो बैठेगा उनकी मीटिंग के अंदर, वो तो अपने आप को डायरेक्टर के लिए भी नॉमिनेट करेगा, वो तो चाहेगा कि भी मैं जब इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मैं इस कंपनी के अफेयर्स को डील करूं, बात समझ रहे हैं। मैम, ये नहीं, ये जो लाइबिलिटी है ये शेयर होल्डर्स पे नहीं पड़ती, ये लाइबिलिटी पड़ती है डायरेक्टर्स पे। यानी अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं ये डायरेक्टर्स पे चलती हैं फिर, यानी ये शेयर होल्डर्स वगैरह पे ये इश्यूज नहीं होते। लायबिलिटी कौन सी, कोई भी जो कंपनी के अगेंस्ट लायबिलिटी होगी, हाँ मैम, जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोई केस वगैरह, कोई करप्शन हो, ये सारा कुछ कंपनी की तरफ से हो, तो ये सारे डायरेक्टर्स पे चलती है, नहीं नहीं शेयर नहीं नहीं होल्डर्स नहीं 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 पे। नहीं 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 अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये जो लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी किसी भी चीज के लिए कंपनी लायबल होगी, डायरेक्टर सिर्फ उसके लिए लायबल होंगे अगर उनसे कोई गलती हो गई है ओवरसाइट के अंदर, अगर डायरेक्टर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको फुलफिल नहीं किया,
डायरेक्टर सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही डायरेक्टर। हमने कहा बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, हमने कहा अगर अकबर एक डायरेक्टर है और अकबर ने कोई गलत काम किया तो अकबर लायबल होगा, अगर डायरेक्टर नहीं होगा जिससे गलती होगी ओवरसाइट में वो लायबल होगा। कंपनी के अगेंस्ट कोई केस होता है तो कंपनी लायबल होगी, और कंपनी अपनी लायबिलिटी कैसे पे करती है, अपने एसेट्स को सेल करके। मेंबर्स, मैंने कहा कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी। अभी हमने इसको भी देखना है कि ये टाइप ऑफ कंपनीज क्या होती है। और मैंने आपको अभी बताया था कि शेयर होल्डर्स सिर्फ किस चीज के लिए लायबल होंगे, जितनी अमाउंट अनपेड होगी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। बात समझ गए मैम? एक कंपनी में तो बहुत से डायरेक्टर होते हैं ना वैसे। नहीं, बहुत से होते, इसकी लिमिट होती है, जो कि उन्होंने इसका नंबर स्पेसिफाई करना होता है कि हम कितने डायरेक्टर्स नॉमिनेट करेंगे, मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। अगर उस नंबर को चेंज करना है तो फिर वो चेंज होता है, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होती है उसकी। बहुत से नहीं होते हैं, एक लिमिट है। मैम इस तरह से फिर वो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं होते होंगे कि हर डिपार्टमेंट? नहीं, यही तो बता रही हूँ कि ये डायरेक्टर्स, वो जो एम्प्लॉयज डायरेक्टर होते हैं, उनमें फर्क है। ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी कंपनी के लिए, ओवरसाइट देनी है इन लोगों ने, ये ओवर ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, इनकी कमेटी जरूर होती है डायरेक्टर की, हम इनको कमेटीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑडिट कमेटी हो गई, और ये कमेटीज भी हमारे पास एक रेगुलेशन है जिसका CCG कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके अंदर बताई गई है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम इसको देखेंगे डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर। ऑडिट कमेटी होती है, HR एंड रेमुनरेशन कमेटी होती है, ऐसी हरगिज नहीं होती कि जी फाइनेंस कमेटी है, प्रोक्योरमेंट कमेटी है, नो। बात समझ गए, कमेटी जरूर होती हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर में कह दो तुम फाइनेंस देखो, तुम प्रोक्योरमेंट देखो, नो। तमाम डायरेक्टर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी ओवरसाइट ऑफ दी कंपनी। फिर डायरेक्टर्स की टाइप्स हैं, वो भी हम जब डायरेक्टर के चैप्टर में जाएंगे फिर देखेंगे। बात समझिए आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा आपने कंफ्यूज नहीं करना एम्प्लॉई डायरेक्टर्स में। क्लियर है जी मैम? अच्छा मैम, क्वेश्चनिंग जो है क्लास की एंड होने पे की जाए या जिधर पे इशू हो उस वक्त की जाए? आज क्योंकि फर्स्ट क्लास थी इसलिए क्वेश्चनिंग, वैसे मैंने आपको बताया था जो भी हमारी कल से जो क्लास होगी उसके फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आपने सवाल करने, और ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी है आपको जहां मसला आता है आप उसी वक्त पूछें, ठीक है? आप बेशक एंड का इंतजार ना करें, आपको कहीं बात समझ नहीं आ रही, कोई चीज मैंने बोले नहीं समझ आए, आप उसी वक्त पूछें। हाँ, प्रीवियस लेक्चर का सवाल शुरू के 15 मिनट में करें, ठीक है? अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ा है, हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 का 1.1, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया सारा। इसके अलावा हमने 1.2 पढ़ा है, 1.3 पढ़ा है, लेकिन वो डिटेल से नहीं पढ़ा, इसको कल हम दोबारा देख लेंगे, और 1.4 पढ़ा है, ठीक है? चले जी, यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।